अरे आता है भाई, क्या मुश्किल है। अल्लाह, अल्लाह खैर करे। तुम्हारा मुंह से खून निकल रहा है, ये कहां से अपना होंठ पुटवा के आया है? अम्मा, अम्मा तुम जानते हैं बॉक्सर है, बॉक्सर लड़ाई करता है तो खून मून चोट मोट लगता है, निकलता है। अल्लाह का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, ये लड़ाई झगड़ा छोड़ो, मुक्के वाली लड़ाई को छोड़ो। हमने तुमको इसलिए पढ़ाया है कि तुम लोगों से मार खाता रहे, सर फाड़ता रहे। कुछ तो ख्याल करो, दादा तुम्हारा बुढ़ा हो गया है, बाप तुम्हारा मर गया है, कुछ नहीं तो तुम समंदर में ही चले जाया करो। थोड़ा पैसा वैसा जमा करो, मुंह से मछली पकड़ो, तुम्हारे मुंह पे तो खून लगा हुआ है। अम्मा दुनिया में बहुत से ऐसा काम है जिसे इंसान बड़ा आदमी बन सकता है, सिर्फ मछली पकड़ के बड़ा आदमी नहीं बनता है। बस करो, वो सुन लिया हमने तुम्हारा बकवास। अरे क्या हो रहा है फैसल, बैठो बैठो, बैठ जाओ। क्यों अपना मांस लड़ रहा है? आ गया तुम्हारा लाडला, मुंह से खून निकाल के इतना सर पे चढ़ाया, इतना चढ़ाया सर पे, किसी का बात ही नहीं मानता है। अरे क्लब में लड़ा होएगा? अरे लड़ा नहीं हूँ, हम जीत के आया हूँ, जीत के। तुम लोग जीते है? अरे हम लोग का शेर, क्या बात है। अरे बाबू जीत के आया, अरे हमारा ये देखो, हमारा शेर जीत के आया है। वाह वाह, इसको समझाओ कुछ काम धंधा करे, ये लड़ाई मड़ाई में कुछ भी नहीं रखा है, आगे जिंदगी के मार कुटाई में गुजरेगा इसका। अरे फैसल, मोहम्मद अली किले से किसी ने पूछा, अरे तुम लोग का मुक्के में इतना ताकत किधर से आया कि तुम एक मौका मारता है आदमी नीचे गिर जाता है? तो मोहम्मद अली किले क्या बोला? बोला इसमें हमारा कई सालों का मेहनत है। तो बच्चा मेहनत करो, प्रैक्टिस से परफेक्शन आता है। अरे हाँ। अरे दादा आप अम्मा को समझाओ ना, वो हर वक्त गुस्सा करता है। हर किसी का जिंदगी का नजरिया अलग होता है, सब मछली पकड़ने थोड़ी निकलेगा। असल उसने जो देखा है उसको उसी बात पे यकीन है कि बस मछली पकड़ो, बेचो और जिंदगी गुजारो। अरे लेकिन तुमने ऐसा नहीं कर रहे, तुमने अलग करना है बाबा, अलग क्या कर रहे, अलग करना है। हाँ दादा, तुम्हारे साथ रहेगा ना तो हम सब कुछ हासिल कर लेंगे, सब कुछ जीत जाएंगे।
इंशाल्लाह। हम दिलावर के पास जाते हैं, हमको कुछ काम है उससे। ठीक है, जाओ दिलावर का पास। एक बात, घर का फिक्र नहीं करना। जब तक तेरे दादा को पेंशन मिलेगा ये घर चलता रहेगा। अरे वाह रे वाह फैसल, ये फैसल एक ना एक दिन कुछ बनेगा, हमको पूरा यकीन है। पकड़ दूर है तुम जीत गया, हमको बड़ा खुशी है। तुम देखना एक दिन बहुत बड़ा बॉक्सर बनेगा। अरे जावड़े, तुम आया नहीं मैच देखने? अरे यार, हमको हमारा साथी लोगों ने रोक लिया। वो कह रहा था कि हमारा टूर्नामेंट होने वाला है, थोड़ा प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर ले। लेकिन हमने तुम्हारा पल पल का खबर रखा। हम पूछता रहा कि हमें बताओ हमारा दोस्त जीता कि नहीं। अरे तुम्हारा दोस्त कह लेगा तो कैसे नहीं जीतेगा? ये बात है, तुमने शाहिद को बताया? अरे शाहिद को छोड़ो, हम घर जा रहे हैं। अम्मा हमारे जीना हराम कर दिए। बोले तुम मछली पकड़ने क्यों नहीं जाता है? मैं मछली पकड़ूंगा। बोले मुक्काबाजी छोड़ो, ये बॉक्सिंग वॉक्सिंग बेकार काम है, मछली पकड़ो, पैसा ज्यादा है। अरे तुम परेशान नहीं हो, तुम देखना एक दिन तुम्हारी माँ को तुम्हारे ऊपर फकर होगा जब तुम बड़ा चैंपियन बनेगा। अरे अम्मा को ये बात समझ नहीं आते, दादा मादी इनको समझाएंगे ये सब। अरे तुम छोड़ो, शाहिद को फोन लगाओ। शाहिद को लगाओ, फोन लगाओ उसको। अरे कैसा है रे बॉक्सर, जी दिया तू आज? आज का काना तो पक्का है फिर। अरे तुमको कैसे पता है? अरे तुम रिंग में जाए तो हम खुद पूछता है, बताना किसने? तुम काम की वजह से तुम्हारे पास आ नहीं पाता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम्हारा हार जीत से हमको गर्ज ना हो कोई। अरे छोड़ो ये बताओ, कब आ कब रहा है? बस अभी आखिरी जाल डाल रहा है, फिर उसके बाद निकलता है। चलो फिर रात को मिलता है, काना साथ का आएगा। हाँ अल्लाह हाफिज। ले रात को मिलते हैं, आखिरी जाल है। चलो फिर अभी चलते हैं। अभी चलो। ठीक है ठीक है, तुम जब तक जाके भुट्टा मुट्टा खाओ, हम कपड़े चेंज करके आता हूँ। बदबू आ रहा है बहुत। जाओ, बदबू आ रहा है। ये भुट्टा, असल में तुमसे कुछ बात करना था। जल्दी बोलो, क्या बात है? अम्मा को हमारे बॉक्सिंग से एतराज है। हम तुमसे ये पूछना चाह रहा था कि तुमको पसंद है हमारा बॉक्सिंग खेलना या नहीं। हर छोटे इलाके के लोग अपने इलाके को प्रमोट करते हैं। पापा ये भी तो हो सकता है कि किसी ने उसको शायद अभी तक कोई ऑफर ही नहीं दी हो। अरे ये जो भी बने, हमको तो हमारा दिल का डॉक्टर लगता है।
बाबा अबे ये देखे, ये आई थिंक लियारी के कोई क्लब का कोई बॉक्सर है। कितना अच्छा खेल रहा है ना। अच्छा खेल रहा है। अगर इसे कोई अच्छा कोच मिल जाए तो बहुत आगे तक जा सकते। हाँ क्या ख्याल है, हम इसे अपने क्लब में बुला लें? सोचा जा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में शायद वो हमारे क्लब के लिए ना करे। क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि लियारी के लोग, बल्कि हर छोटे इलाके के लोग अपने इलाके को प्रमोट करते हैं। पापा ये भी तो हो सकता है कि किसी ने उसको शायद अभी तक कोई ऑफर ही नहीं दी हो। जब ऑफर मिलेगी नहीं तो बेचारा कैसे खेलेगा। हाँ करके देख सकते हैं। फिर मैं आज खालिद को बोलती हूँ कि किसी तरह से कॉन्टेक्ट करे और फिर हमारे ऑफिस बुलाए। ठीक है। कौन है अभी हम आते हैं? जरा हल्का हाथ रखो, अभी आ रहे हैं, आ रहे। क्या रिक्शे पे बैठ के आएगा है? जी बात। अस्सलाम वालेकुम काला। कैसे? वालेकुम अस्सलाम। कैसे है तुम? ठीक है? हम ठीक है। ये क्या है? काला हमने ना कड़ी बनाया था तो सोचे तुम्हारे लिए लेकर आए। तुम कितना अच्छा बच्ची है, कितना हमारा ख्याल रखता है। आओ आओ बैठो, हम तुम्हारे लिए चाय बनाते हैं। नहीं काला, वो चाय भाई के आने का टाइम हो रहा है, हमको जाना है। चाय मैं बाद में पिएगा। तुम्हारा भाई कितना अच्छा है, मेहनत मजदूरी करता है, तुमको पढ़ाता है। एक हमारा बच्चा है, उसको तो सिर्फ मुक्काबाजी का शौक है। कभी सर पड़वा के आता है तो कभी फाड़ देता है। इस तरह सर फाड़ने से कोई बड़ा आदमी बनता है क्या? काला तुम भी कितना बोला है, सच में ऐसा होता है? वाकई ये लोग गोल्ड मेडल जीतते हैं। जब तुम गोल्ड मेडल जीत कर आएगा तो तुम्हारा भी नाम रोशन होगा और इस इलाके का भी ना। ऐसा क्या फायदा है सर नाम का? मुक्काबाजी। तुम डॉक्टरी पढ़ रहे हैं ना, वो भी डॉक्टरी पढ़े, नाम रोशन करे, वो तो मुक्काबाजी में ही अटक गया है। काला तुम उसको मना मत किया करो, उसके लिए दुआ किया करो। दुआ करते, तुम भी दुआ किया करो, ये मुक्काबाजी छोड़ रही है। ठीक है। अच्छा काला अब हम चलता है, तुम ये पकड़ो, हम जा रहे हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अरे सुनो, तुमको पता लगा आज हम बॉक्सिंग का मैच जीत गया हूँ? हाँ हमको लड़कों ने बताया था। फिर भी इस तरह नजरअंदाज करके हमको जा रहे थे तुम? अरे इस तरह गली में तोड़ी अच्छा लगता है। अच्छा हमें असल में तुमसे कुछ बात करना था। जल्दी बोलो क्या बात है। अम्मा को हमारे बॉक्सिंग से एतराज है। हम तुमसे पूछना चाह रहा था कि तुमको पसंद है हमारा बॉक्सिंग खेलना या नहीं। अरे हमको क्यों एतराज होगा, बल्कि हम तो चाहते कि सांप जीत जाए। इलाका लोगों से ही तो पहचाने जाते, और तुम और आम इस इलाके के लिए कुछ करेंगी तो होंगे ना। अरे छोड़ो छोड़ो, ये सिर्फ बातें हैं, बातें हैं। इंसान जब कामयाब होता है ना, सबसे पहले इलाका छोड़ता है अपना। ऐसे ही तुम जब डॉक्टर बनेगा ना, सबसे पहले इस इलाका को छोड़ेगा, फिर उसके बाद इस इलाका के लोगों को, बता रहा हूँ मैं। अच्छा तुम भी यही है और आम भी यही है, देख लेंगे क्या होता है। अच्छा सुनो, हम तुमको छोड़ावे? इतना दूर नहीं है, हम खुद चला जाएगा। अरे जितना भी रास्ता है तुमको छोड़ाएंगे वहां तक, हमको इतना वक्त मिल जाएगा तुम्हारे साथ गुजारने के लिए। तुमको बुरा लगता है क्या? हमको बुरा लगे या ना लगे, लेकिन दूसरा लोग तो है ना, उसको भी तो बुरा लग सकता है। अच्छा अल्लाह हाफिज, हम जा रहे हैं। अरे
देख अगर तू अम्मा की बातों में आकर अपना शौक छोड़ देगा, अम्मा को क्या मालूम तुम कितना अच्छा लड़ता है। एक बार तुम जीत गए ना तो अम्मा क्या पूरा लियारी इसका भावा करेगा। अरे हम भी इंसान है, तकलीफ होता है हमको। हम जब घर जाते हैं अम्मा एक ही बात करता है कि रोजी रोटी का क्या बने। एहसास होता है हमको सिर्फ पूरा घर में एक दादा ही है जो दिल से बोलता है कि तुम्हें जिंदगी में जो करना है करो, जब तक हम जिंदा है हम देख लूंगा घर को। अरे वो इसलिए क्योंकि दादा अच्छी तरह से जानता है कि तुम कितना अच्छा खिलाड़ी है। तुम कोई आम लड़का नहीं है, कोई नौसिखिया नहीं है तुम जो अभी बॉक्सिंग सीख रहा हो। सब जानता है तुम चैंपियन बनेगा एक दिन। दिलावर तुम्हारा बात ठीक है लेकिन हम सोच रहा था कि हम इस बॉक्सिंग का साथ साथ कोई नौकरी भी करें, लेकिन हमको नौकरी पे रखेगा कौन? ठेकेदार से दोबारा बात करें क्या? अरे अगर तुम बोलेगा तो फिर हम कोशिश करेगा। अच्छा दिलावर तुम्हारा घर वाला कुछ नहीं बोलता, तुम ऐसी पारिक घूमते तो? आप नहीं, हमारा घर वाला तो कुछ नहीं कहता। शायद तुम्हारा वो एनजीओ का क्या बना? हमारा साथ साथ पूरा लियारी के लोगों को इंतजार है कि तुम कब वो एनजीओ काम शुरू करेंगे। अरे हम खुद इंतजार कर रहे हैं अभी, कब फैसला हमारे हक में हो। जो जो हमने सोचा हम सब करेगा। हालात हक में होता नहीं है, हालात को हक में लाना पड़ता है। हाँ पर उसके लिए भी तो वक्त लगता है ना, मेहनत चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है। तो हम लोग वही तो कर रहे हैं। हाँ हो जाएगा इंशाल्लाह, करता है, करो मेहनत पूरा, इंशाल्लाह तुम कामयाब होगा। अरे हमारा चाय ठीक नहीं बनाया इसने। ओ छोटू ओ चाय बदलो ये। अरे क्या बात है। अरे नादिर भाई ये डॉक्टर बन रहा है। अरे ये जो भी बने हमको तो हमारा दिल का डॉक्टर लगता है। तो भाई उसको बताना कि तेरा दिल है वो। अरे वो सब समझता है, इसलिए तो हमको देख के नजरे झुका लेता है। तो भाई फिर इसका क्या मतलब हुआ? अरे उसका मतलब जो भी है, हमारा क्या मतलब है ये उसको पता। मौका दे के कभी बात करेगा इसके साथ। थोड़ा पढ़ा लिखा है इसलिए हमको भरम दिखा रहा है, वरना पूरा लियारी का लड़की लोग नादिर भाई के आगे पीछे घूमता है। और पता क्या बोलता है? नादिर नादिर बोलता है। ये अभी घूमेगा, उसका क्या मजाल, वरना नादिर भाई को घुमाना आता है। बिल्कुल सही बोलता है तू। अरे चलता है होटल पे, चलता है। अरे हम जो चाहे कर सकता है, हम नादिर भाई है, तुम जानता नहीं है पूरा लियारी डरता हमसे। आ तो। अरे बद्दुआ नहीं दे रहा हूँ, डरा रहा हूँ तुमको। जिंदा रहने के लिए कमाना पड़ता है, सोचने को तो सारा दुनिया अमीर बनने का सोचती है। हमारे जहन में ख्याल आया कि ऐसा लोग क्यों होता है, कि उनके अंदर का खराबी है या बाहर के माहौल का? दोनों का नहीं है। जो भी बने हमको तो हमारा दिल का डॉक्टर लगता है। अरे नौशीन क्या सोच रहे तुम? अरे भाई आप कुछ नहीं, बस हम ये सोच रहे कि जो नेगेटिव लोगों का सोच होता है वो क्यों होता है। किन लोगों का बात कर रहा है? ए, जो गली में पालतू लड़का लोग बैठता है ना, जिनके पास कोई करने को काम नहीं होता, बस आते जाते लोगों को तंग करता रहता है हर वक्त। तुमको
किसी ने तंग किया क्या? नहीं, हमको तो किसी ने तंग नहीं किया, वो तो हम आते जाते देखता है ना, तो इस वजह से हमारे जहन में ख्याल आया कि ऐसा लोग क्यों होता है, कि उनके अंदर का खराबी है या बाहर के माहौल का? दोनों का नहीं है, खराबी उनका परवरिश का है, इनका घर वालों का तरबियत का है। जब बच्चा छोटा होता है ना, तो उसको क्या मालूम बाहर क्या हो रहा है, उसको क्या सीखना है, ये तो उसके अम्मा अब्बा का फैसला होता है कि उसको क्या सिखाए। तो ऐसे लोगों को कैसे ठीक किया जाए? अच्छा लोगों में रहने से इंसान का इंसान पर असर होता है। तुम जैसा लोगों में बैठेगा वैसा आदत आएगा, वैसा सोच बनेगा। हमारे कहने का मतलब है ऐसे लोगों को कैसे बदला जाए? अरे अपना रवैया से। रवैया से? अच्छा छोड़, चाय बना के देवे तुम? नहीं, हम बाहर से पी कर आए। अच्छा, हमने सुना है वो जो आपका बक्सर दोस्त है वो जीत गया है। अब क्या उसका मुम्मा हर वक्त उसके पीछे पड़ा रहता है, ये कुछ सही से काम नहीं करता, हर वक्त मुक्काबाजी करके वापस आ जाता है। अरे तुम काला को समझाओ थोड़ा, उसको ताना ना दे, उसको हौसला देवे, हर वक्त पीछे पड़ा रहता है उसका। ए, काला सुनता किसका है? अच्छा अभी आपने ये नया नोट्स बनाया, तुम देखो इसको हमने सही बनाया। अरे सुना तुम डॉक्टर बन रहे? जी नाथर भाई। अरे तू बोले तो हम गाड़ी लगवा दे तेरा वास्ते। और आप हमारे वास्ते ऐसा क्यों करेगा भला? अरे तुम हमारा लियारी का लड़की लोग है, डॉक्टर बन रहे है। अरे तुमको परेशानी ना हो इसलिए बोल रहा हूँ। अगर आपको लियारी के लोग का इतना ख्याल है ना, तो उनके वास्ते पानी का फिल्टर लगा देवे, हमारी गाड़ी से ज्यादा जरूरी हो। अरे हम तो तेरा वास्ते कुछ करना चाह रहा है। लेकिन हमको इसकी जरूरत नहीं है, तुम जाके अपना काम करो, हमें इंतजार करने तो बस का में जाना है। अरे क्यों जावे, तेरा बाप का रोड है क्या? हाँ नादिर भाई से बदतमीजी कर रहा तू? बदतमीजी तुम कर रहे? अरे हम जो चावे कर सकता है, हम नादिर भाई है, तुम जानता नहीं है, पूरा लियारी डरता हमसे। हाँ तो क्या हुआ? हाँ? अरे कुछ नहीं पेशन, वो नादिर भाई बोल रहे कि लियारी के सारे लोगों के लिए पानी का फिल्टर लगवाने वाला है। क्यों, है ना नादिर भाई? नादिर भाई और फिल्टर? आप हमारा बस आ गया, हम जाते हैं। ठीक है, ओके। अरे चलो, अरे आ रही आ तो आ। सलाम मम्मा। आ ले। अरे आ गया तुम लोग का लाडला, सारा दिन पारिक रह के आया है। अरे इसको बैठने तो दो, आते ही शुरू हो गया। यही तो मैं कह रहा हूँ, हमारा बच्चा हमारा नाम रोशन कर रहा है, इसका इस्तकबाल तो करना चाहिए ना हमको। अब्बा हम सिर्फ तुम्हारा नहीं, एक दिन पूरे इलाके का नाम रोशन करूंगा। हाँ वो तो हमको नजर आ रहा है कितना नाम रोशन करेगा, तू क्या करेगा सब पता है हमको, सारा दिन फुटबॉल खेलता है, नाम रोशन करेगा। अरे हम लोग का नाम रोशन करने का शौक है ना, तो हमारे साथ चल समंदर।
बड़ा जाल फेंक, मछलियां पकड़ ज्यादा, तब हम तुम पर फकर करेगा। इलाके का लोग भी तारीफ करेगा कि हमारा बच्चा कमाऊ निकला है। देख दिलावर, हमारा जितना औकात था हमने तुमको पढ़ाया, लेकिन तुमने नौकरी भी नहीं की। इस फुटबॉल के चक्करों में हमारी जिंदगी भी चट कर दी और अपनी भी। अरे अभी तो हम तुमको खिला रहा है, हम नहीं होगा तो फिर क्या करेगा? तुम कोई लाड साहब का बच्चा नहीं है, ये सब बड़े लोगों का खेल है। बाप का बड़ा फैक्ट्री और मिल होता है तो उसका औलाद ये सब करता है, अच्छा लगता है। तुम एक बात समझ लो, तुम एक गरीब मचेरे का बेटा है। हम दो दिन समंदर पर ना जावे ना तो तीसरे दिन हमको राशन उधार पे लेना पड़ता है। तुम लोगों का शिकवा दुरुस्त है, तुम लोग ठीक बात कह रहे, मगर हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता हूँ जिससे सिर्फ खाना खा सके। अरे फुटबॉल खेल के तू क्या कर लेगा? अभी तक तो हमसे मांग के जाता है, फुटबॉल से अपने लिए तो कमा नहीं सका, बोलता है खाने से ज्यादा कमाएगा। अब्बा खिलाड़ी बनने में वक्त लगता है। अरे वक्त तो नहीं है हमारे पास, एक बात तुमको समझाना तुम्हारे समझ में ही नहीं आता है। अब्बा बद्दुआ नहीं दो हमको। अरे बद्दुआ नहीं दे रहा हूँ, डरा रहा हूँ तुमको। जिंदा रहने के लिए कमाना पड़ता है, सोचने को तो सारा दुनिया अमीर बनने का सोचती है। छापा ठीक है, हम मानता है तुम सही कह रहे, पर हमको थोड़ा सा टाइम और दे दे अब्बा। अब्बा अगर हम पाकिस्तान टीम में नहीं आया तो जैसा तुम बोले। ठीक है गरा को। क्या गुस्सा करता रहता है हम पे? हमारे साथ बैठो, तुम्हारे अब्बा तुम्हारे लिए बेहतर करता है। अभी हमारा बेहतरी छोड़ो, हमें भूख लग रहा है, सारा दिन भाग रहा था हम। तुम इलाके का पहला लड़की डॉक्टर होगा? आखिरी तो नहीं होगा ना? अरे हम भी यही चाहते हैं कि आखिरी ना हो, हर घर का लड़की पढ़कर कुछ बन जाए। कुछ ये कैसे होएगा? यही तो तुझे सोचना है, लेकिन अगर तू ये मुकाबला जीत जाता है ना तो कराची के सारे क्लब में बस तेरा चर्चा होएगा। अरे वो बात ये है कि हमने तुम लोगों से एक झूठ बोला है। कैसा झूठ? देख अगर तू ये मुकाबला जीत जाता है ना तो मैं क्लब में तेरी नौकरी करवा दूंगा, तेरी प्रैक्टिस भी होती रहेगी
और बच्चे लोग को सिखाने के पैसे भी मिल जाएंगे। क्या कोच, तुम सच कह रहे? हाँ बे, ट्रेनर की जरूरत है, लेकिन तुझे भी बच्चे लोग लाने पड़ेंगे, क्योंकि लियारी में बच्चों का खेल तालीम मच्छी पकड़ना है ना। कुछ ये कैसे होएगा? यही तो तुझे सोचना है, लेकिन अगर तू ये मुकाबला जीत जाता है ना, तो कराची के सारे क्लब में बस तेरा चर्चा होएगा। कुछ मुकाबला तो हम जीत जाऊंगा, उसका टेंशन नहीं है, लेकिन बच्चों को जमा कैसे करेंगे? हम कोशिश कर सकता हूँ। अभी तक तू जो करता आया है ना, उससे मुश्किल नहीं है, ये भी हो जाएगा। तू बस तैयारी में रह, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। तू यकीन से कह रहा तू जीत जाएगा, कोई बच्चों का खेल नहीं है। क्या कुछ, तुम ही तो कहता है जीत से पहले जीत पर यकीन रखना जरूरी है। हम वही तो कर रहे हैं। चल पानी पी और फिर लग जा। चलो किधर से मिलेगा? अरे वैसे अम्मा आज खुश हो जाएंगा जब उनको पता लगेगा हमारा नौकरी लग गया, वो भी मुक्काबाजी में। अम्मा बॉक्सिंग को मुक्काबाजी बोलता है। अरे कितना मजा आता होगा ना कि आपको वही काम मिल जाता है, उसी काम से आप पैसे कमा रहे हो जिसका आपको शौक है। अरे नहीं नहीं, हमको पैसा मैसा कमाने का शौक नहीं है, हमको सिर्फ मशहूर होने का शौक है। लेकिन अम्मा को ये बात समझ नहीं आता है। अम्मा बोलता है कामयाब सिर्फ वही है जिसके पास पैसा है, और मशहूर भी वही है। लेकिन जो मशहूरी आपका कामयाब होने के बाद आपको मिलता है ना, उसको कोई बोल नहीं पाता है, पूरी दुनिया उसका मिसालें देता है। आपका जिंदगी में भी और आपका मरने का बाद भी। अरे तुमने चाय माय नहीं बोला कुछ? हाँ छोटू, ये 3 चाय तो ले क्या? चुप क्यों बैठा हुआ इतनी देर से? अरे वो बात ये है कि हमने तुम लोगों से एक झूठ बोला है। कैसा झूठ? यही कि हमारा अब्बा हमारी फुटबॉल से खुश है। तुम लोग गड़बड़ तो नहीं हो गया है? हमने तुम लोगों से झूठ बोला, तुम लोग हंस रहे हो उल्टा। अरे आपको पहले से मालूम था? अरे तुम्हारा अब्बा हमको 50 बार ये बात बता चुके हैं पहले ही। अरे तुम लोगों ने कहा क्यों नहीं कि हमने झूठ बोला है? अरे तुमने हमसे झूठ बोला हमको पता था, लेकिन इसमें तुम्हारा कोई फायदा है इसलिए हम नहीं बोले कुछ, या तो हमारा फायदा होगा इसमें फिर कोई। तुम लोगों का दोस्ती वाकई में नेमत है हमारे लिए। अरे हम तुम्हारा दोस्त है इसलिए हमारा फायदा भी ना अलग नहीं है। अब इसमें तुम्हारा खुशी था तो हमने भी कुछ नहीं बोला, हमने कहा सही है तुम खुश तो हम खुश। अरे तुम्हारा जैसा दोस्त भी खुदा का नेमत से कम नहीं है। हाँ नहीं तो और क्या, तू ऐसे दिल छोटा कर रहा है अपना। अरे पता है जैसे तुम्हारे अम्मा को ये फुटबॉल खेलने से शिकायत है ना, ऐसी हमारी अम्मा को भी बॉक्सिंग खेलने से बहुत शिकायत है। अरे अम्मा लोगों को ये बात समझ नहीं आता कि उनका बेटा क्या बनना चाहता है। शायद अगर तुम्हारा माँ भी जिंदा होता ना, तो वो भी ऐसा ही यही बात करता है। हाँ नहीं तो और क्या, तू ऐसे दिल छोटा कर रहा है अपना। ऐसे हम कोशिश कर रहे हैं, अगर इस बार हम टेस्ट में पास नहीं हुआ ना, तो बड़े पगे तो मछली पकड़ेगा। अरे हमारा मान तो हमारे साथ कुछ ही से काम पर लग जा, कुछ पैसा अपने अब्बा के हाथ पे रखेगा ना, तो वो भी खुश रहेगा। अरे चाचा के साथ काम करना वैसी बहुत मुश्किल काम है, क्या हो गया? अब फुटबॉल मुटबॉल से नफरत करते छुड़वा देंगे, वो इंजरी हो जाएगा तेरा। बस अब हम भी यही करेगा। हाँ तो छोड़ो ये बात, आज सुबह ना हमने एक माजरा देखा, हम बताते हैं तुमको। हाँ बताओ बताओ बताओ, किसका माजरा देखा? अरे शाहिद भाई तुम आ गया, हम आज काफी लेट हो गया। अरे वो दिलावर थोड़ा दुखी था, उसको समझाने में तो टाइम लग गया।
अरे हमको लगता है तुम तीनों का दोस्ती इस पूरे लियारी में सबसे अनोखा है और सबसे दुखी भी है। अच्छा, हमको तो ऐसा नहीं लगता। हमको लगता है कि ये भी एक जिंदगी का हिस्सा है, दुख भी जीने का एक वजह है, जिंदगी के साथ साथ चलता है। लेकिन हमको तो लगता है कि हम सब मिलके एक ना एक दिन इस लियारी का नक्शा बदलेगा और इस सफर में तुम भी हमारा साथ है, हम मिलकर कामयाब होगा। हमको लगता है इंसान पहले सोच में कामयाब होता है। अगर इंसान में कामयाबी का सोच है, उसको सोचता है, फिर कामयाब तो होता ही है ना। तुमको मालूम है तुम इलाके का पहला लड़की डॉक्टर होगा? आखिरी तो नहीं होगा ना। अरे हम भी यही चाहते हैं कि आखिरी ना हो, हर घर का लड़की पढ़कर कुछ बन जाए। अरे इलाका की महरूमियां इलाका मकीनों के फैसलों से तो दूर होती है। हमको अंदाजा है तुम हमें डॉक्टर बनाने के लिए बड़ा मेहनत कर रहा है। हम भी मेहनत कर रहा है, हमारा भी मेहनत रंग लाएगा। हमको एक बात का तो यकीन है, हम सब का सब मिलके एक ना एक दिन इस लियारी का नक्शा बदल देगा। नौशीन, तुम आज कॉलेज जाते वक्त नादिर से मिला था? अपने दादा के आश्रय में रहेगा तो कुछ नहीं बनेगा। एक जायदाद था, वो भी बदमाश की माँ को दे दिया। अम्मा, हमने फैसला कर लिया है, कल से हम काम पे जाऊंगा, मगर हमारा एक शर्त है। कैसा शर्त? अच्छा बेटा, वहाँ पे जाके गपशप मारेगा, फुटबॉल की बातें करेगा, उसके साथ साथ मछली भी पकड़ेगा। अब तेरे को क्या एतराज है? अरे एतराज नहीं है चम्मो, फायदा है हमारा। अच्छा इंसान है, लियारी के लिए कुछ करना चाहता है। उसने लियारी का लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। ये जो इलाका में लड़का पढ़ा लिख गए ना, वो सब जब्बार भाई का वजह से। वो कहता है कि हम लोग पढ़ लिख गया इसलिए सारा दिन पढ़ा रहता है, अगर पढ़ लिख नहीं जाता तो मच्छियां तो पकड़ता कम से कम। अरे ये पूरा लियारी के लोगों को इसी बात से मसला है कि हम लोग पढ़ा लिखा है क्या? सुपियाना रंग चाहिए। अम्मा, हमको तुमसे बात करना है।